जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो गरीबी के अंदर, दरिद्रता के अंदर कैसे लक्ष्मी प्राप्त की जाए, यानी कि कभी कभी ऐसी दुर्दशा आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है लाइफ में कि हमको गरीबी का मुंह देखना पड़ता है, कर्जे वाली स्थिति हो जाती है। किसी से मैं अच्छी धाक रही हो, लेकिन कभी कभी दुर्दशा इतनी खतरनाक हो जाती है कि परिवार की जो दशा है इतनी हद तक बिगड़ जाती है कि कहना ही क्या। तो आज का जो विषय है वो बुरे समय में, बुरे ग्रहों की दशा में या बुरे भावों की दशा में कैसे लक्ष्मी प्राप्त की जाए, कैसे बिजनेस में जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें आपको मुनाफा मिले नुकसान की बजाय। सिंपल बात है, यदि नुकसान होना बंद हो जाएगा, पैसे गलत जगह पे खर्च नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। तो इसके लिए आपको देखो, जो धन के कारक हैं वो बुध ग्रह है, ये व्यापारेश भी, व्यापार यदि आप करते हैं तो इनकी स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। वाणी में मजबूती हो तो बिजनेस व्यक्ति अच्छे तरीके से कर सकता है। तो बुध यदि पंचम भाव से जितना अच्छा संबंध रखेगा उतना अच्छा व्यक्ति व्यापार कर सकता है, रोजगार कर सकता है, यानी उसकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। यदि सूर्य अच्छा है बुध के साथ, उसकी मैत्री अच्छी है, तो भी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शनि की बुध के साथ मैत्री अच्छी है तो भी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि सौम्य ग्रह के लग्न जो हैं वो अलग होते हैं, क्रूर ग्रहों के लग्न अलग होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप अपनी जन्म कुंडलिका में देख सकते हैं कि बुध की पोजिशन क्या है, बुध किस अवस्था में है, कहीं शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हो, 6, 8, 12 तीसरे भाव में बैठा हो तो वो पीड़ित होता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुध पीड़ित होता है तो क्या लक्षण होते हैं। तो हम बुरे समय में, यानी कि जो गरीबी की जो रेखा है उसको पार करना है, कर्जा हमको नहीं लेना है, कर्जा हम पर नहीं हो, व्यापार हमारा अच्छा चल सके। मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी बुरे समय में, क्योंकि भोग तो भोगना होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप गुजारा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुध ग्रह के भी स्वामी हैं, बुध को मजबूत करने के लिए बुध की राशि मिथुन के अंदर राहु उच्च का होता है। और आपने देखा होगा मिथुन राशि के जातक, जिनकी मिथुन राशि होती है, वो अच्छे बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है, यदि आपका राहु की दशा की वजह से 6, 8, 12 तृतीय भाव की वजह से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कर्क लग्न के लिए जब बुध ग्रह की दशा आती है तो व्यक्ति गरीबी की रेखा में ज़्यादा चला जाता है। जैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उनको भी राजभोग छोड़कर जाना पड़ा था। तो ऐसे में क्या करें ताकि हमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। बुधवार के दिन आपको दुर्वा का भोग लगाना है, 21 या 11 टुकड़े आप दुर्वा के लीजिए, उनको गंगा जल से आप धो लीजिए, लाल धागे से आप उसको बांधिए, और लाल धागे से बांधने के बाद उसको आप अपने हाथ में रखकर, दाहिने हाथ में आपको रखना है, और ओम राम रहावे नमः मंत्र का जाप करना है। आपकी शक्ति के अनुसार आप जाप कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जो भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आपको जाप करना है। और फिर जाप करने के बाद ये जो दुर्वा है, इस दुर्वा को आपको भगवान श्री गणेश को
अर्पित कर रहा है। यह भाव रखते हुए आंख बंद कीजिए और यह भाव रखिए कि आप भगवान श्री गणेश को दुर्वा का भोग लगा रहे हैं और वो खा रहे हैं। बस ये भाव रखते हुए आप उनको चढ़ा दीजिए और उनके चरणों में वो दुर्वा रख दीजिए। फिर आपको अब उनको आपने दुर्वा चढ़ा दिया और ये प्रार्थना कीजिए कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं आ रही है धन संबंधी, वो सब दूर कर दें। और फिर आप उनको दो मोदक का भोग अवश्य लगाइए। कोई से भी लड्डू हो सकते हैं लेकिन होने चाहिए दो। बेसन के लड्डू ज़्यादा अच्छे रहेंगे, आप उनका भोग लगाइए। और बुध को मजबूत करना है तो बुधवार वाले दिन बच्चों को कोई ना कोई उपहार जरूर दीजिए। अगर किंडर मिल जाते हैं तो किंडरों को भी आप हरी सब्जी है वो दान कर सकते हैं, इससे भी बुध अच्छा परिणाम देता है। हरी चीज़ों जैसे हरी सब्जियां हैं, हरे कपड़े हैं, लाइट कलर के लाइट होने चाहिए, उनको धारण करने से बुध अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप इतना कीजिए, सायंकाल में भगवान श्री गणेश की आरती जरूर कीजिए पूरे परिवार मिलकर। बुरे समय में जरूर करना है आपको आरती, तब इसका फल देखिए कैसे आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है, कैसे आपका व्यापार जीरो से लेकर बढ़ता है ऊपर की ओर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।